दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। आज हम आए हुए हैं बेताला फोर्ट, जो कि इंदौर में विजयनगर पर इनका शोरूम स्थित है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फोर्स ट्रैक्स क्रूजर के एयर कंडीशन, साथ ही पावर विंडो के साथ में आने वाले वेरिएंट के बारे में पूरी डिटेलिंग। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं इसकी कीमत, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, हर चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी चाबी की। कुछ आपको इस तरह की इसकी चाबियाँ मिलती हैं, तीन चाबी हैं। और बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के हम फ्रंट लुक की। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप काफ़ी सारी क्रोम फिनिश के साथ में फोर्स की बैजिंग दिखाई देती है आपको, साथ ही मिलता है नीचे आपको फोर्स को लोगो और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आपको ग्रिल्स मिल जाती हैं। और ये जो है प्लास्टिक की यानी कि फाइबर मटेरियल के साथ में इसके फ्रंट ग्रिल को यहाँ पर दिया गया है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह भी मिल जाते हैं और काफ़ी बड़ी सारी आपको यहाँ पर जो है हैलोजन बल्ब के साथ में आने वाली जो है हेडलाइट्स मिल जाती है। साथ ही आपको इसके शानदार इंडिकेटर वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह की कुछ बनावट है इसकी हेडलाइट की, जो कि काफ़ी पावरफुल है। काफ़ी बड़ी सारी यहाँ पर आपको हेडलाइट्स मिलती है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं, नीचे भी मिलते हैं और ऊपर भी। इस तरह से आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। और दोस्तों BS6 की जो गाड़ियाँ हैं, अगर उनके नीचे की बात करें तो आपको यहाँ पर फोग लैंप वगैरह लगाने का भी ऑप्शन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप फोग लैंप भी लगा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है फोग लैंप्स वगैरह लगाने की। तो दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो एयर कंडीशन और विदाउट एयर एसी के साथ में आने वाले फोर्स क्रूजर के अंदर कोई खासा बदलाव तो नहीं है। मेन जो बदलाव है वो इसके अंदर है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हम दोस्तों फिलहाल इसके बाहर की लुक की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार इसके अंदर JK के टायर मिलते हैं। JK के टायर हैं जिनके साइज़ की अगर बारे में बात करें तो लगभग 215x75 यानी कि 15 इंची की यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। काफ़ी शानदार आपको 3050 mm के आसपास इसका व्हील बेस मिलता है और गाड़ी की जो ओवरऑल जो ऊंचाई है वो है 2027 mm के आसपास। दोस्तों अगर हम इस गाड़ी की लंबाई की बात करें तो आपको यहाँ पर इसकी लंबाई मिलती है 5120 mm के आसपास है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1818 mm के आसपास। तो दोस्तों वजन और आयाम की दृष्टि से यानी कि लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से AC और विदाउट AC दोनों ही गाड़ियों के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। मेन जो बदलाव है वो इस गाड़ी के अंदर किया गया है, जहाँ पर कि आपको पावर विंडो मिलते हैं, साथ ही आपको AC वगैरह मिलता है। दोस्तों BS6 की गाड़ी है तो आपको यहाँ पर BS6 की बैजिंग भी दिखाई देती है। 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड है और यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर दिए गए हैं फोर्स मोटर के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कॉल करके आप अपनी जो भी जानकारी आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम इस गाड़ी के चार्म की, जहाँ पर आपको काफ़ी बड़े सारे इसके हैंडल मिलते हैं। ब्लैक कलर के साथ में आपको इसके हैंडल मिलेंगे और यहाँ पर इसका एक जो है लीवर मिल जाता है, जिससे कि आप इसको ऑपरेट करके इसको खोलते हैं। यहाँ पर आपको चाबी लगाने का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल दोस्तों हम को पैसेंजर साइड में एंट्री कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डोर के ऊपर हैंडल मिलता है और डुअल टोन कलर के साथ में आपको जो है इसका गेट का इंटीरियर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप अपने कागज़ वगैरह या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं और गाड़ी का जो अंदर का लुक है कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। फ्रंट में दोस्तों आपको दो लोगों की बैठने की व्यवस्था यानी कि ड्राइवर एंड को पैसेंजर यहाँ पर बैठ सकते हैं। और आपको इसके अगर डैशबोर्ड की अगर पहली निगाह हम दिखाना चाहें तो इस तरह का आपको यहाँ पर इसका डैशबोर्ड दिखाई देता है। इसका ORBM मिलता है, जिसको कि आपको मैन्युअली एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर वगैरह भी मिल जाते हैं। 2.6 CR यानी कि आपको यहाँ पर टर्बोचार्ज के साथ में आने वाला इंजन मिलता है कॉमन रेल के साथ में। और ये फोर्स मोटर का यहाँ पर आपको 2.6 की बैजिंग दिखाई देती है स्टिकर के साथ में। यहाँ पर आपको कुछ ग्राफिक्स मिल जाते हैं, ये कंपनी के साथ ही फिटेड आते हैं। और ड्राइवर साइड के अगर डोर की बात करें तो आपको यहाँ पर भी उसी तरह का लीवर मिलता है और ड्राइवर साइड के डोर के अंदर भी आपको यहाँ पर जो है इस तरह का इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। ग्रैब हैंडल है, काफ़ी मजबूत है और यहाँ पर बेहतर प्लास्टिक मटेरियल का यूज करके इस गाड़ी के अभी BS6 वेरिएंट को कंपनी के द्वारा निकाला गया है। यहाँ पर आप अपने कुछ पेपर वगैरह रख सकते हैं। और ड्राइवर सीट की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको दोनों ही सीट जो है आगे की एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में मिलती हैं। सबसे पहली बात तो ये आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सीट काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर आपको इस सीट को जो है रिक्लाइन करने का भी ऑप्शन मिलता है, आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं सीट को आप अपनी सहूलियत के अनुसार। साथ ही आपको यहाँ पर लेग स्पेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा सारा और काफ़ी मजबूत जो है कंपनी फिटेड ये जो है स्टेप मिलता है, फुट स्टेप, जिससे कि आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों गाड़ी के अंदर हम चलते हैं, फिर गाड़ी के हम फीचर्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। ड्राइवर को ऊपर चढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, जिससे कि हम गाड़ी के अंदर आसानी से चढ़ सकें। तो ये थी इसकी चाबी, अब हम लगाएंगे और बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों ये है कुछ इसकी चाबी, इनको लगाते हैं हम यहाँ पर और चाबी को हम जैसे ही लगाते हैं तो हम इसको ऑन करके इसका डिस्प्ले ऑन करके आपको दिखाना चाहते हैं। आपको कुछ इस प्रकार का इसका डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पर आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन से कलरफुल लाइट के अंदर शो होती है। यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर, इंजन टेम्परेचर है और इंजन RPM है और यहाँ पर आपको रीसेट करने के बटन्स जो है वो मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड में आपको इसका स्पीडोमीटर वगैरह मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर शानदार स्टेयरिंग मिलता है, पावर स्टेयरिंग मिलेगा अब आपको यहाँ पर, और बीच में
हॉर्न भी मिल जाता है, काफ़ी पावरफुल इसका हॉर्न है। और अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के हम सेंटर कंसोल की, यहाँ पर आपको मिलता है एयर कंडीशन, जहाँ पर आपको ये एसी मिनिमम है, एसी मैक्सिमम है, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बटन्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो है टेम्परेचर को कूल में करना है, गर्म में करना है, वो सारा कनेक्शन ऑप्शन है। यहाँ पर आप ब्लोअर की स्पीड बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी स्पीड आपको यहाँ पर ब्लोअर की आवाज़ मेरे ख्याल से आ रही होगी। और ये आपके डायरेक्शन वगैरह सेट करने का यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाता है। ये हज़ार लाइट का स्विच हो गया, तो ये कुछ कंट्रोल बटन्स हैं। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी सुविधा भी मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके गियर शिफ्ट लीवर की, काफ़ी शानदार आपको छोटा सा इसका गियर शिफ्ट लीवर मिलता है, जहाँ पर आपको 5-speed जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर इससे व्यवस्था हो जाती है। साथ ही आपको दोस्तों यहाँ पर 12 volt का मोबाइल वगैरह चार्ज करने का ऑप्शन भी इस गाड़ियों के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है। और सारे के सारे जो पावर विंडो हैं उनके ऑप्शंस जो है यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहीं से सारे के सारे पावर विंडो को ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो। तो ये आपको ड्राइवर के पास में ही सारे के सारे बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हो अपने डोर्स वगैरह को, और यहाँ पर आपको पानी की बोतल वगैरह रखने के लिए भी एक जगह मिल जाती है। तो दोस्तों ये था इसका फ्रंट लुक, जहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक का जो लीवर है इसके ऊपर क्रोम फिनिश भी देखने के लिए मिलती है। दोस्तों अगर हम ऊपर की बात करें तो आपको यहाँ पर सनवाइज़र वगैरह मिलता है ड्राइवर साइड में, जो कि धूप वगैरह में काम की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपको डे नाइट एडजस्ट करना होगा इसका IRBM, जिसको कि आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर को पैसेंजर साइड में भी एक सनवाइज़र मिल जाता है। तो ये था इसका फ्रंट लुक। अगर बात करें इधर की, तो यहाँ पर आपको एक लाइट भी मिलती है इसके अंदर फ्रंट साइड में, जो कि ड्राइवर की अप्रोच में ही है, आप इसको 3 mode के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। ये था इसका फ्रंट लुक। अब हम बात करते हैं रियर साइड, मतलब कि बीच वाली रो की, जहाँ पर कि आपको पावर विंडो ही मिलती है, यानी कि आपको चारों ही विंडो के ऊपर पावर विंडो के ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको जो है बीच वाली रो का जो गेट है वो देखने के लिए मिलता है, यानी कि हर गेट के ऊपर आपको यहाँ पर इसी प्रकार का साजो सज्जा दिखाई देती है। यहाँ पर आपको पावर विंडो के जो है ऑप्शन जो बटन है वो भी मिल जाते हैं। इंडिविजुअल अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बाकी ड्राइवर तो वहाँ से कर ही लेंगे। साथ ही दोस्तों अगर हम पीछे की सीट की बात करें, मतलब सीट के पीछे की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, जिससे कि जो पीछे बैठने वाले जो पैसेंजर है वो इसको आराम से पकड़ सके। साथ ही उनकी जो पानी की बोतल वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पर जगह मिल जाती है। काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पर सीट्स मिलती हैं। आगे की जो सीट है वहाँ पर भी हेडरेस्ट तो आपको मिलता ही है, साथ ही जो पीछे की जो सीट है इनके ऊपर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन सीट हैं। ये सीट जो है आपको लेदर टाइप मटेरियल के साथ में बनाया गया है, इनको आप देख सकते हैं, यानी कि फैब्रिक अपोल्स्ट्री के साथ में नहीं है, ये लेदर टाइप मटेरियल के साथ में इनकी जो सीट है वो आपको मिलती है। यहाँ पर दोस्तों सीट के नीचे की साइड में भी काफ़ी सारा स्पेस मिलता है, आप छोटा मोटा जो सामान है वो उसको आप यहाँ रख सकते हैं। अगर दोस्तों हम बीच वाली सीट के ऊपर चल के बैठ के देखें, तो हमें कुछ इस प्रकार का लुक जो है यहाँ पर दिखाई देता है आगे की साइड का, आपको मैं बताना चाहूँगा। यानी कि काफ़ी स्पेसियस और काफ़ी खुली खुली ये गाड़ी है, जहाँ पर लेग स्पेस भी काफ़ी मिलता है। मेरी हाइट लगभग 6.5 feet के करीब, मतलब 6 feet के आसपास ही है, 5.8 है मेरी हाइट। और देखो मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मुझे जगह मिल रही है। और यहाँ पर इस डोर के ऊपर भी आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, ये लॉक करने का ऑप्शन मिलता है गेट को, और ये ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पर जगह जगह पर कंपनी के द्वारा दिए गए हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई बात सामने की, कि सामने वाला बंदा तो चलो वहाँ से हवा ले लेगा, यहाँ पर पीछे वाले जो लोग हैं पैसेंजर, उनके बैठने के लिए और उनकी सुविधा के लिए भी पीछे की साइड में आपको यहाँ पर जो है एसी की यूनिट दी गई है, जिससे कि जो पीछे के पैसेंजर हैं उनको भी गर्मी ना लगे। आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर इसका बटन भी मिलता है। तो काफ़ी बेहतरीन मटेरियल और काफ़ी सुंदरता के साथ में नई फोर्स ट्रैक्स क्रूजर को एसी वेरिएंट के साथ में कंपनी ने दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। और अब हम चलते हैं पीछे की साइड में। पीछे के लुक की अगर बात करें, तो आपको काफ़ी शानदार इसकी लाइट्स मिलती हैं, टेल लैंप्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, इसके बल्ब टाइप के टेल लैंप मिलेंगे, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, गोलाकार आकृति के अंदर इसके टेल लैंप्स मिलते हैं। नीचे आपको इंडिकेटर मिलते हैं, पार्किंग लाइट्स वगैरह मिल जाती है, और यहाँ पर मिलती है आपको फोर्स की बैजिंग क्रोम फिनिश के साथ में। और ये काफ़ी बड़ा सारा आपको यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील जो है वो पीछे दिखाई देता है। साथ ही दोस्तों अब आपको BS6 की गाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ सेफ्टी के लिहाज से कुछ नई चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं जगह जगह पर, जिससे कि पीछे से आने वाले वाहनों को पता चल सके कि आपकी फोर्स ट्रैक्स आगे जा रही है। दूसरा, यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं, आपको 4-4 यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को ईजिली रिवर्स कर सकें। साथ ही दोस्तों पीछे की साइड में आपके जो पैसेंजर हैं उनको चढ़ने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार फुटरेस्ट वगैरह भी मिल जाता है। दोस्तों एक और खासा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा BS6 की गाड़ियों में, कि आपको जो पीछे का ग्लास है ये काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ में, साथ ही आपको यहाँ पर पेस्टिंग के साथ में इस ग्लास का पूरा फिटमेंट किया गया है, जिससे कि आपकी गाड़ी का ये जो ग्लास है कभी भी निकल नहीं सकता, कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है। चलते हैं पीछे की साइड में, यहाँ पर आपको चाबी से लॉक करने की भी व्यवस्था होती है। साथ ही आपको जो पीछे का डोर है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर हैंडल मिल जाता है काफ़ी बड़ा सारा, जिससे कि आप आसानी से जब यहाँ से चढ़ें तो आप इस हैंडल को भी पकड़ करके आराम से पीछे चढ़ सकते हैं।
साथ ही ये आपको अनलॉक करने का यानी कि इस डोर को खोलने का ऑप्शन है। और यहाँ पर दोस्तों जो पीछे की सीटें काफ़ी बेहतरीन कर दी गई हैं कंपनी के द्वारा, यहाँ पर इनकी जो लंबाई है और चौड़ाई है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड में आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिए गए हैं जिससे कि आपके पैसेंजर यहाँ पर आसानी से चढ़ सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की साइड में आपको एयर कंडीशन का जो यूनिट है उसका एयर थ्रो आपको पीछे भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा, यानी कि मिड वाली रो में भी मिलेगा और पीछे भी मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन सीट हैं जिनको कि आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के अनुसार फोल्ड भी कर सकते हैं। आपको इन सीटों के अंदर फोल्ड करने का प्रोविज़न यहाँ से रहता है नीचे से। अगर आप पैसेंजर लेके जाना चाहें तो भी आप काफ़ी अच्छा सारा सामान जो है यहाँ पर नीचे सीट के नीचे भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको चार लोग इधर चार लोग इधर यानी कि 8, 3 लोग बीच में, 9, 10, 11, 12 और 13 यानी कि 12 और 13 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है, यानी कि 12 सवारी और एक ड्राइवर। पैसेंजर जो पीछे बैठेंगे उनकी सेफ्टी के लिए बीच में एक रोल बार भी दी गई है जिससे कि उनको पकड़ करके ये जो है आसानी से अपनी जर्नी को पूरा कर सकें। साथ ही पीछे के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर एक लाइट भी मिल जाती है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन सुविधाओं के साथ में फोर्स ने अपनी नई क्रूजर को एयर कंडीशन विद पावर और विंडोज़ के ऑप्शंस के साथ में लॉन्च किया है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी इस गाड़ी के बारे में अंदर और बाहर के हर फीचर से आपको रूबरू कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। और ये कुछ सीट थी यहाँ की पीछे की, आप देख सकते हैं एक बार और काफ़ी शानदार आपको यहाँ पर सीट्स मिलती हैं। साथ ही आपको जो पीछे के पैसेंजर हैं उनको पकड़ने के लिए भी यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर पानी की बोतल वगैरह रखने के लिए जगह मिलती है। आप अपने एसी के जो कंट्रोल है उनको यहाँ से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एसी चल रहा है तो ये जो कपड़ा है हिल रहा है, कितनी पावरफुल इसकी एसी की थ्रो है हवा की। तो दोस्तों इस तरह का इंटीरियर है। पीछे की साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन इसका इंटीरियर कंपनी के द्वारा दिया गया है यहाँ पर, और काफ़ी शानदार आपको यहाँ पर सीट्स मिल जाती हैं अगर आप देख पा रहे हैं। तो चार लोग इधर बैठ सकते हैं और चार लोग मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठ सकते हैं और 3 लोग इस सीट के ऊपर बैठ सकते हैं और 2 लोग आगे, यानी कि टोटल इस गाड़ी के अंदर 12+1 यानी कि 13 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है।